दोस्तों, आपने मोबाइल में आजकल जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई हैं, कुछ तो उनमें से ऐसी हैं कि जो आपका सारा डेटा वो ले लेती हैं। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि किस मोबाइल एप्लीकेशन में क्या क्या डेटा आपकी एक्सेस आप खुद जो उन्हें प्रोवाइड करते हैं वो होती हैं। तो आपने जाना है जी सबसे पहले सेटिंग में, एप्लीकेशन नोटिफिकेशंस, ऐप इंफॉर्मेशन। तो ये जो आजकल सबके मोबाइल में इंस्टॉल होती हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो इस तरह की एप्लीकेशनें जो होती हैं वो उनके पास आपके कितनी कितनी एक्सेस होती है ये अब आपको हम बताएंगे कि जो सब एप्लीकेशन होती हैं। ये सबसे पहले हम क्रीम का देख लेते हैं। इसके पास आपकी ये परमिशन देख लें, ये आपके पास इसकी जस्ट लोकेशन की परमिशन है और इसे कोई एक्सेस ज़रूरत नहीं है, वैसे भी चल जाती है। क्रोम की देखें, जिस तरह क्रोम मोबाइल में ब्राउज़र है, इसमें आपने इसकी लोकेशन जो है वो है, माइक्रोफोन है, स्टोरेज आपकी ये देख सकते हैं, ये कैमरा आपका ओपन कर सकते हैं, इनके पास ये सारी एक्सेस है। तो ये आपके पास अभी आ गया जी फेसबुक का, मैं आपको बताता हूँ फेसबुक का आपके पास क्या एक्सेस है। सबसे ज़्यादा इनकी एक्सेस है, ये हर चीज़ की एक्सेस है, कैमरा है, कॉन्टैक्ट्स हैं, लोकेशन है, माइक्रोफोन है, फ़ोन की है, स्टोरेज की है, जितनी मतलब इनकी जो है वो एक्सेस होती है आपने फ़ोन की, वो सब उनके पास एक्सेस है इनकी। ये देख लें आप, ये जो हमारी जितनी भी मोबाइल, आप मोबाइल के ऑनर हैं, आपके पास मोबाइल के जो राइट्स हैं वो एक्सेस है, वो सारी इनके पास है। और अभी हम देखते हैं व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप जो हमारा जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ये व्हाट्सएप की देखें, इसके पास भी कैमरा है, कॉन्टैक्ट्स है, माइक्रोफोन है, स्टोरेज है, तो सब की इनके पास लग सकती है। ये लोकेशन की नहीं है, फ़ोन की नहीं है, एसएमएस की नहीं है, बाकी जितनी एक्सेस होती हैं तकरीबन फ़ोन में सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप की, और फिर उसके बाद फेसबुक की सबसे ज़्यादा है, फिर व्हाट्सएप की है, फिर उसके बाद गूगल क्रोम की है। तो ये आपका डेटा जो है वो सब कुछ इनके पास होता है कि बंदा ये बोले कि हमारा डेटा है। और जो व्हाट्सएप है वो अर्निंग भी इसी सोर्स के से करता है कि व्हाट्सएप पे जो आपका डेटा होता है कि व्हाट्सएप वाले वो आगे सेल करते हैं कंपनी को और उससे वो अर्न करते हैं। तो प्लीज़ ऐसी एप्लीकेशन रखें जिसमें कम से कम आपकी एक्सेस हो, ये सारा डेटा आपका जो है, पिक्चर्स होती हैं, स्टोरेज होती हैं, जो कैमरा होता है वो, और जो ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं वो ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स अपनी फ़ोन और स्टोरेज में ना रखें जिनकी प्राइवेसी जिनसे लीक हो। क्योंकि एक ये एक मंथ पहले भी एक वाकया हुआ है कि एक फ़ोन में से सारी पिक्चर्स उसकी जो हैं वो, एक लोकल एप्लीकेशन थी, ये तो ऑथेंटिक एप्लीकेशन है, जो छोटी लोकल एप्लीकेशन होती हैं वो ना डाला करें, उससे उनकी प्राइवेसी जो होती है मिसयूज़ होती है और फिर उनका आगे मिसयूज़ किया जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।